चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात, पांडिचेरी, अंडमान, इन तीन स्टेट के बाद अभी पंजाब स्टेट के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ केरला स्टेट के उन कैंडिडेट के लिए स्कोर अपडेट की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है केरला स्टेट के लिए। तो सबसे पहले हम पंजाब स्टेट की कंडीशन के बारे में बात करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं, कौन कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही हम इसकी वेबसाइट vfuhs.ac.in पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा MBBS BDS एडमिशन का। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी काउंसलिंग पोर्टल पर हम यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग इसमें टिप्स दी गई हैं, प्रोस्पेक्ट्स का दिया गया है, इसके बाद में एफिडेट डाउनलोड का दिया गया है, इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं इसमें और हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में जैसे ही रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद में उसका प्रिंट ले लेना है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें अप्लाई का प्रोसेस दिया गया है, हाउ टू अप्लाई में आप वहां चेक कर सकते हैं कैसे कैसे कहां आपको क्या फिल करना है। अब एक बार हम प्रोस्पेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब स्टेट एक सेमी ओपन स्टेट है, यानी कि यहाँ सेकंड राउंड से आउट स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले पंजाब स्टेट के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि पहले उनको सीट दी जाएंगी, उसके बाद सीट वैकेंट रहती हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को सीट्स अलॉट की जाएंगी यहाँ पर। तो इसमें सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो सभी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड राउंड में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन होता है जो सेकंड राउंड की सीटें ऑल इंडिया से रिवर्ट होके पंजाब स्टेट को आती हैं और उनके लिए एलिजिबल हैं, उन्हीं के लिए अप्लाई के लिए सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है पंजाब स्टेट के लिए। बाकी जो पंजाब स्टेट कोटा की सीटें हैं सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसमें प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि अदर स्टेट कैंडिडेट को इस स्टेट में सीटें कम ही मिल पाती हैं क्योंकि सीटें वैकेंट ही नहीं रहती हैं, पंजाब स्टेट के कैंडिडेट्स को ही सीटें मिल जाती हैं इसमें। इसके बाद में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये 18 नवंबर को स्टार्ट हो गए थे फॉर, और इनकी जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2021 है। हालांकि जो पंजाब स्टेट का रजिस्ट्रेशन फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 5,000 रुपीज है ये, और एससी कैंडिडेट के लिए 2,500 रुपीज है, इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रोस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं यहाँ पर। अब जो पंजाब स्टेट की प्राइवेट कॉलेजें हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी फीस बाकी स्टेट से कम है। इसमें अलग अलग ईयर वाइज फीस दी गई है, इसमें पर ईयर इंक्रीमेंट भी है। इसमें दो प्रकार की फीस है, एक 50% इसमें गवर्नमेंट कोटा है और 35% मैनेजमेंट कोटा है। तो ये दो प्रकार की सीटें हैं और इसमें जो 15% है वो NRI कोटा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेजों में इस प्रकार से यहाँ दिया गया है ये। तो ये तो होगी पंजाब स्टेट की बात, आपने कैसे अप्लाई करना है, किस प्रकार से, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो उसके बारे में पंजाब स्टेट। अब हम बात करते हैं केरला के बारे में। तो केरला स्टेट के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, वो काउंसलिंग के लिए इसके रजिस्ट्रेशन पहले ही फिल हो जाते हैं, तो इसके ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। और अभी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको अपना नीट का स्कोर और रैंक यहां पर अपडेट करनी है, और इसकी जो लास्ट डेट है स्कोर और रैंक अपडेट करने की वो 24 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक है, यानी कि शाम 5 बजे तक आप
ये स्कोर अपडेट कर सकते हैं आपका इसकी वेबसाइट पर जा करके, जहां आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहां पर ही आपको ये अपडेट करना है। तो ये मेनली दो स्टेट्स का अपडेट था, बाकी जैसे जैसे स्टेट्स का अपडेट आता रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक 5 स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हैं, बाकी स्टेट के जल्द ही आने वाले हैं, और एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो थोड़ी सी डिले हो रही है। तो जैसे वो भी ओपन होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।